हेलो गाइस, होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। आज आया है नया सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। एक इसको जल्दी से मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ, इसके फीचर्स बताता हूँ और किसके लिए बना है ये कंप्यूटर, ये पीसी किस कैटेगरी के लिए बना है, मतलब कौन लोग इसको यूज कर सकते हैं, वो आपको जल्दी से वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ, आपको बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये, लाइक करके जरूर रखना इस वीडियो को। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये बॉक्स रहने वाला है जो कि आया है फेडेक्स से, आया है ये, मतलब फेडेक्स कुरियर पार्टनर ने इन्होंने डिलीवर करवाया है मेरे को इंडिया में। वैसे तो ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। जल्दी से मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं एंड मेरी कुछ डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल्स वगैरह। तो आज करेंगे कोर से अनबॉक्स, आज इसको कोर से फाड़ेंगे। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट कोर, और एक कीचेन है, एक रियल इंटेल का सीपीयू प्रोसेसर है ये। आप इसको खरीद सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करो। करंटली अभी मैं सिर्फ 350 रुपीज में आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक रियल इंटेल का सीपीयू है। कभी कभी मतलब ये एक सीपीयू अगर आप इसका ओरिजिनल प्राइस देखोगे तो 12, 13, 15, 20 हजार तक के आते हैं। बहुत महंगे महंगे ये सीपीयू आते हैं। एज अ फ्रिज मैग्नेट यूज कर सकते हो आप, एज अ बॉटल ओपनर यूज कर सकते हो, एज अ फैशन एक्सेसरीज यूज, एज अ किचन यूज कर सकते हो, एज अ आप इसको बैग के पीछे लगाओ, बैग की चेन पे लगाओ, आप एज अ बैज तरह लगाओ। एंड काफी ये कूल दिखता है। आपको 10 लोग जरूर पूछेंगे डेफिनेटली, अगर आपको पब्लिक में लेके निकलोगे तो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं आज कोर की मदद से। देखो, बस आप इसको कोर को एक अनबॉक्सिंग टूल की तरह यूज कर सकते हो। जैसे आपको कोई कार्टून है तो उसको भी इससे खोलता हूँ। देखो कितनी आराम से इसने खोल दिया है। ये देखो, ये कुछ अनबॉक्स किया। आज के जो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स आप कह सकते हैं SBC मिनी पीसीज, वो आए हैं MYIR टेक की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो MYIR टेक, इनका जो मोटो है मेक योर आइडिया रियल। पहले इस कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो कंपनी है, ये इनका सब कुछ इन हाउस है, इनका प्रोसेसर भी इन हाउस है। ये कोई रॉकचिप का प्रोसेसर या फिर एमलॉजिक वगैरह कोई प्रोसेसर यूज नहीं करते हैं, इनका इन हाउस प्रोसेसर है। एंड इनके काफी ज्यादा चीप सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स मार्केट में है और बेसिकली ये इंडिया को ही भी टारगेट कर रहे हैं कि इंडिया में चीप SBC और चीप कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो कि एम्बेडेड कंप्यूटिंग के लिए यूज होते हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रखा है इन्होंने। इनके जो प्राइसिंग वगैरह है वो $30 से शुरू हो जाती है, अराउंड 2-3 हजार, 2,000 रुपए से इनके कंप्यूटर्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आप एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो। एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स में आपको बता देता हूँ क्या चीज होते हैं। एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स उनको बोलते हैं जैसे कि आपके अटेंडेंस के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आपको कंप्यूटर की नीड है। आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, आपने CNC मशीन्स आपने देखी होगी। इंडस्ट्रीज में ज्यादातर एम्बेडेड कंप्यूटर्स से यूज होता है, बट आजकल घरों में भी यूज होने लग गया है। जैसे आपको स्मार्ट होम बनाना है तो उसमें सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स का आजकल यूज होने लग गया है। राउटर बनाना है, उसमें ओपन सोर्स राउटर, टीवी बनाना है, मतलब आजकल बहुत जगह यूज होने लग गए हैं। IoT डिवाइसेज में सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स का यूज होने लग गया है। तो बेसिकली ये लोग सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स और एम्बेडेड जो सिस्टम्स होते हैं उनके लिए ये फोकस्ड है MYIR टेक। और अपने आइडियाज वगैरह आप इसको इनको देके अपने भी, अगर आपके पास कोई आइडिया है, एम्बेडेड प्रोजेक्ट है आपकी इंडस्ट्री या आपकी फैक्ट्री या कुछ आपका कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो MYIR टेक से। ये लोग आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई नीड है तो इनका हार्डवेयर भी अच्छा है, इनका सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी ठीक ठाक है, तो इनको कांटेक्ट करा जा सकता है। तो ये दो बॉक्स आज मुझे रिसीव हुआ है। इसमें सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है। इस सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का मैं आपको नाम बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है MYIR टेक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसका जो नाम है MYS-8MMX-V2 8E, वर्जन 280 करके कुछ है। ये मॉडल रहने वाला है इस सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का। सो देखो, ये कुछ बॉक्स रहने वाला है। इनकी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है। शेंजिंग चाइना में ये लोग, इनका जो ऑफिस वगैरह है वो है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डेवलपमेंट बोर्ड बनाते हैं, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर बनाते हैं, CPU मॉड्यूल बनाते हैं, एक्सटेंशन मॉड्यूल बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी आपको हार्डवेयर रिलेटेड नीड वगैरह है तो वो ये लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड एम्बेडेड प्रोजेक्ट या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी चीज है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। काफी अच्छी कंपनी है, कम्युनिकेशन वगैरह भी इनका सही है, बहुत इंस्टेंट रिप्लाई वगैरह आ जाता है। तो जल्दी से मैं बिना टाइम वेस्ट करे इस बॉक्स को खोलता हूँ, दिखाता हूँ कैसे बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं। तो अच्छे से वेल पैक्ड ये अच्छे से आया है ताकि कोई एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह ना हो। नीचे आ जाते हैं, आपको ये खुला हुआ दिख रहा होगा, एक्चुअली मैंने इसको पहले खोला था पैकेट को। यहाँ पे एक बोर्ड मिल जाता है जो कि स्टैटिक एंटी स्टैटिक बैग में आता है। यहाँ पे भी MYIR टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 2D 180C वगैरह वगैरह इसका मॉडल नंबर दिख रहा है। ये कुछ इस तरीके का ये बोर्ड दिखता है इटसेल्फ। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपको दिख रहा होगा, इसका फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हो M.2 SSD वगैरह भी लगा सकते हैं। बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे इनकी यूजर मैनुअल है MYS-8MMX-V2। मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की ये रहने वाली है। वीडियो पॉज करके अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। नीचे आ जाते हैं तो ये एक एंटीना है, कुछ इस तरीके से ये एंटीना इसमें लग जाएगा, ये एंटीना इसमें लग जाएगा, नहीं सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में। ये एक अडेप्टर दिया हुआ है इन्होंने। इनकी एक ये बड़ी चीज गलत लगी कि इन्होंने साथ में एक चार्जिंग मॉड्यूल या फिर एक पावर अडेप्टर कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इन्होंने एक ऐसा अडेप्टर दिया हुआ है जिससे कि आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लो और आपको यहाँ पे अपना ही एक डीसी जैक वाला अडेप्टर लगाना पड़ेगा। और डीसी जैक भी ये जो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है वो 5 वोल्ट पे चलता है और 5 वोल्ट का ऑफकोर्स कोई डीसी जैक मेरे पास अभी है नहीं, तो स्पेशली मुझे उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी ये सिंगल बोर्ड में आपको कंप्यूटर चला के दिखा पाऊंगा, या फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसमें, तभी मैं इसको चला के आपको दिखा पाऊंगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5 वोल्ट at 3 एम्पियर ये सपोर्ट करता है। मेरे बॉक्स में और कुछ नीचे है नहीं, चलिए देख सकते हैं। अब चलते हैं नीचे, नीचे आपको दिखाता हूँ चीजें क्या क्या मिल जाती है। एक ये नेक्स्ट बॉक्स है, ये थोड़ा उससे बड़ा बॉक्स है, जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। यहाँ पे आपको एक मैनुअल मिल जाता है, यहाँ पे एक एलसीडी डिस्प्ले मिलती है, तो आप देख सकते हैं। एलसीडी डिस्प्ले का नाम है MYLVDS S070C करके एक डिस्प्ले मिल जाती है एलसीडी। हम साइड में एलसीडी डिस्प्ले आपको दिखाता हूँ, अच्छे से वेल पैक्ड है ताकि कोई डैमेज ना हो प्रोडक्ट। हाँ, तो ये एक स्टैटिक एंटी स्टैटिक बैग में आता है, इसको जल्दी से, काफी हैवी स्क्रीन रहने वाली है, ये काफी हैवी स्क्रीन है, तो मैं जल्दी से खोल के दिखाता हूँ। देख सकते हो खोलने के बाद ये कुछ अच्छी है डिस्प्ले। और यहाँ पे 2 कनेक्टर केबल्स मिलती है, रिबन केबल्स बोलते हैं इनको। ये 2 रिबन केबल्स मिलती है इसको डिस्प्ले से कनेक्ट करने के लिए, अपने कंप्यूटर से पीसी से कनेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ इसकी डिस्प्ले रहने वाली है, देख सकते हैं। यहाँ पे LVDS इनपुट सपोर्ट करता है। ये LVDS आपने सुना होगा, काफी ज्यादा यूज में होती है ये। 40 पिंस आएगा, 30 या 40 पिंस वाली होती है, ये कनेक्ट करनी है। बाकी इसका इंटरफेस वगैरह देख सकते हो, काफी हैवी और इंडस्ट्रियल जो यूज होता है ना वो वाला एक डिस्प्ले है, टच स्क्रीन डिस्प्ले रहने वाला है ये। एलसीडी डिस्प्ले आई गेस 7 इंचेस की डिस्प्ले है ये, हाँ 7 इंचेस की ये डिस्प्ले है, टच स्क्रीन डिस्प्ले है। रखते हैं इसको साइड में। अब आपको बताता हूँ मैं मेन जो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, अपना जो मिनी पीसी है, उसके बारे में, इस मिनी पीसी के बारे में बताता हूँ क्या है इस मिनी पीसी में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इनका जो चिप है वो इनका इन हाउस है, कोई इन्होंने आई गेस अलग से कुछ नहीं लिया हुआ है, इनका ये इन हाउस मॉड्यूल है। एसओसी इनका इन हाउस रहने वाला है। और एक बार जल्दी से आपको ना इसकी स्पेसिफिकेशन देता हूँ, ऊपर से स्पेसिफिकेशन देता हूँ क्या क्या चीजें इसमें मिल जाती है। ये आपको पावर इन के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है जो कि ओटीजी सपोर्ट करता है, यूएसबी 2.0 के पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको लैन का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको HDMI का आउट मिल जाता है, यहीं से आप HDMI का आउट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे LVDS जो मैंने आपको दिखाई थी डिस्प्ले में, वो वाली केबल यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ स्विच बटन्स मिलते हैं जो कि एक है यूजर का बटन, एक है ऑन ऑफ का बटन एंड एक है रीसेट का बटन, ये 3 बटन मिलते हैं। यहाँ पे आप इसमें एसडी कार्ड लगा सकते हो इस तरफ से। बाकी जीपीआईओ पिंस मिलते हैं, 40 जीपीआईओ पिंस। एक मिल जाता है एंटेना कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है वाईफाई ब्लूटूथ। यहाँ पे आपको मिल जाता है डीबग के लिए पोर्ट। यहाँ पे एक और आपको एक मिल जाता है यहाँ पे कनेक्शन ऑन द बैक साइड। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक SSD लगाने के लिए M.2 की। बाकी SMD कॉम्पोनेंट्स हो गए। यहाँ पे एक यहाँ पे स्विचेस तो नहीं है, ओके। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। एंड स्टैंड ऑफ पहले से ही लगा रखा है, तो कोई आपको डर नहीं है कि नीचे कहीं वो SMD टच होगा किसी, अगर मेटल सरफेस पे भी रखते हो तो कहीं टच होगा, कहीं टच नहीं होगा, इसको सिंपली यहाँ पे रख सकते हो। तो ये कुछ ओवरव्यू रहने वाला है। सीपीयू बता देता हूँ, ये वाला सीपीयू है, ये दोनों रैम के चिप्स है एंड ये अपनी eMMC हो गई। अब बताते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन, जल्दी से बताता हूँ मैं आपको। ये जो आप इसका प्रोसेसर देख रहे हो, ये ARM बेस्ड प्रोसेसर है, कॉर्टेक्स का A53 इसमें लगा हुआ है। अप टू 1.8 GHz टू 1.8 GHz तक की इसकी फ्रीक्वेंसी है। और एक लगा हुआ है 400 MHz पे Cortex-M4 के कोर्स लगे हुए हैं। बाकी इसमें रैम मिल जाती है 2 GB की LPDDR4 की रैम मिल जाती है, और इसमें 8 GB की eMMC स्टोरेज मिल जाती है, और 32 MB ऑफ QSPI फ्लैश मिल जाता है इसमें। 2 USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया है। ये एक USB Type C मिल जाता है, एक NVMe PCIe, यहाँ पे NVMe PCIe M.2 SSD का स्लॉट यहाँ पे मिल जाता है। एक इंटरफेस यहाँ पे मिल जाता है। आप नेक्स्ट आपको बताया था मैंने, यहाँ पे SD कार्ड लगाने के लिए स्लॉट मिल जाता है, कैमरा के लिए LVDS पोर्ट मिल जाता है, HDMI आउटपुट मिल जाता है, MIPI CSI डिस्प्ले के लिए यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है। LVDS ये वाला हो गया, MIPI ये वाला हो गया, HDMI यहाँ पे हो गया। बाकी इसकी जो टेम्परेचर ऑफ वर्किंग है -40 पे और +86 डिग्री सेल्सियस तक, आज तक का मैंने ये पहला बोर्ड देखा है जो इतने टेम्परेचर पे भी वर्क करता है। तो अप टू 86 डिग्री सेल्सियस और माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करेगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका एक Yocto Linux करके है, वो इसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है एंड Ubuntu Linux ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये सपोर्ट करता है। Ubuntu के लिए मैंने इनसे कांटेक्ट कर रखा है कि कैसे करना है, अभी कांटेक्ट का कोई रिप्लाई नहीं आया, तभी आपको Ubuntu इस पे चला के नहीं दिखा पाऊंगा। एंड अभी इसका पावर कॉर्ड भी मेरे पास नहीं है, कोई पावर अडेप्टर नहीं है, तो मैं इस वीडियो में आपको डेफिनेटली इसको चला के नहीं दिखा पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ जुगाड़ लगा के इसकी वीडियो तो एटलीस्ट मैं बनाई दूं, कैसे कुछ चलाना वगैरह है। और जो मैंने बताया SPI फ्लैश कहाँ पे है, तो ये वाली SPI की QSPI फ्लैश 32 MB ऑफ यहाँ पे ये लगी हुई है, बाकी सारे असेंबली कंपोनेंट्स वगैरह इसमें लगे हुए हैं। नीचे आ जाते हैं, एक बार आपको वेबसाइट और दिखा देता हूँ। ये इसकी कुछ वेबसाइट रहने वाली है, ये कुछ इंटरफेस है वेबसाइट का, यहाँ पे आप देख सकते हो MYS-8MMX सिंगल बोर्ड कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये कुछ आप पॉज करके इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पढ़नी हो तो पढ़ लेना। ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाउनलोड ये सब आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर ऑर्डर करना है तो ऑर्डर के लिए भी है, ऑर्डरिंग के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसकी प्राइसिंग दिखा देता हूँ। जो अभी मैंने ऑर्डर किया है ये 180C वाला, आपने देखा होगा 180C, तो इसका जो प्राइसिंग है USD $119, $190, मतलब अराउंड 8-9 हजार रुपये, 9-10 हजार रुपये का ये पड़ेगा। जो अभी मेरे पास करंटली ये वाला बोर्ड है, ये वाला जो कंप्यूटर है, ये 8-9 हजार रुपये का ये पड़ने वाला है इन इंडियन रुपीज, $119 का है ये। बाकी ये कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह रहने वाली है। और ये बोर्ड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक, वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें कोशिश करूंगा कि इसको, इसका जो अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चला के दिखाऊं, प्री इंस्टॉल्ड जो है। बाकी इसमें जो Ubuntu के बारे में लिखा हुआ है कि Ubuntu इसमें चलेगा, सो उसके लिए मैंने इनको कांटेक्ट कर रखा है, ये लोग रिवर्ट बैक करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि इसमें Ubuntu भी कैसे चलाना है, वो सब भी आपको कवर कर दूंगा। सो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे अगली किसी मजेदार सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलेंगे अगली किसी मजेदार सी वीडियो में, बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट, कोर किचन आप चेक कर सकते हो, मेरे इंस्टा का लिंक बायो में है, वहाँ से जाके मेरे को कांटेक्ट करो एंड वहाँ से खरीद सकते हो। ओनली 350 रुपीज़ में क्रेडिटली मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। बहुत कूल ये दिखता है, रियल इंटेल का CPU है, बहुत अच्छा दिखने में है, आप इसको रखो, बहुत अच्छा फैशन एक्सेसरीज की तरह भी काम करता है। तो चेकआउट जरूर करना। वीडियो को खत्म करते हैं, चलो बाय।